पिछले कुछ दिनों से जो टेस्टिंग में काफ़ी इजाफा किया गया और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा फाइन ट्यून किया गया है, और ओवरऑल मैं एक पॉजिटिव चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा कि हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है जो मई के पहले हफ्ते में तकरीबन 10% के आसपास थी, कम होकर 7% से कुछ कम हो गई है। तकरीबन 6.5% पॉजिटिविटी पिछले 2-3 दिनों के जो एवरेज है उसके अंदर देखी गई है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत हमें और आगे करने की ज़रूरत है। जो एहतियात हम सभी लोगों ने रखी है उसे और ज़्यादा आगे तक मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि ये पॉजिटिव एक जो सिलसिला चला है वो आगे तक बरकरार रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेस्टिंग के ऊपर खास ध्यान अभी भी दिया जा रहा है। इनफैक्ट अर्बन एरियाज़ के साथ साथ बराबर की तवज्जो हमारे रूरल एरियाज़ में भी दी जा रही है। जो तकरीबन 7.5 से 8 हज़ार टेस्ट डेली किए जा रहे हैं उनमें से 50% टेस्ट रूरल एरियाज़ में किए जा रहे हैं। एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के तहत, एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस के तहत और सभी हमारे लोकल PRIs के इन्वॉल्वमेंट के जरिए विलेज वाइज रोस्टर्स बनाकर ये टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई क्लस्टर्स इमर्ज होते हैं तो उनको कंटेन किया जा सके। और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है हमारी कॉन्स्टेंट फोकस है कि यही स्ट्रैटेजी हमें, टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक की स्ट्रैटेजी हमें कामयाब करेगी। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की जो कैपेसिटीज़ हैं उनको लगातार ऑगमेंट किया जा रहा है, ना कि सिर्फ GMC और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे आज से कोविड केयर सेंटर जिनको मैं कहूँगा वो हमारे ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पर भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसा कि ऑनरेबल LG साहब की हिदायत है कि 5 बेड्स हर पंचायत में और 30 बेड्स हर ब्लॉक लेवल पर अवेलेबल होंगे, जिनमें से कुछ बेड्स कॉन्सेंट्रेटर सपोर्टेड भी होंगे ताकि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की भी जो रिक्वायरमेंट हो उनको पंचायत से या ब्लॉक लेवल पर ही फुलफिल किया जा सके। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डोर टू डोर कैंपेन था उसके अंदर भी तकरीबन 2,250 लोगों को रीच आउट किया गया है फॉलो अप कॉल्स के जरिए।